नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं TCS के बारे में। TDS के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं TCS भी बताऊंगा और TDS को भी क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कि TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। इसका मतलब स्रोत पर एकत्रित टैक्स यानी इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स होता है। TCS का भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। हालांकि वह कोई भी सामान बेचते हुए खरीदार या ग्राहक से वो वसूलता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने का काम सेलर या दुकानदार का ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में इसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास तरह की वस्तुओं के विक्रेता ही इसे कलेक्ट कर सकते हैं। इन वस्तुओं में टिम्बर, वुड, स्क्रैप, मिनरल शामिल है। इस तरह का टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट की सीमा ज्यादा होती है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। आप देखेंगे यहां पर उदाहरण के लिए मोहन ने कमल को 1,00,000 रुपए का स्क्रैप बेचा। स्क्रैप पर 1% का टैक्स यानी TCS लेने का नियम है। अब 1,00,000 का 1% होगा 1,000 रुपए, तो कमल से कुल 1,01,000 रुपए लिए जाएंगे। 1,000 रुपए के TCS को इनकम टैक्स विभाग के पास जमा करना होगा खरीदार कमल के नाम। तो चलिए इसको और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि TDS और TCS में डिफरेंस क्या है। TDS और TCS दोनों ही टैक्स हैं, लेकिन इनका जो कलेक्ट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे TDS की अगर हम बात करें तो TDS में पेमेंट देने वाला टैक्स काट कर पैसा देता है और TCS में पेमेंट लेने वाला टैक्स जोड़कर पैसा मांगता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे और समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मोहन एक देनदार है जिसने 1,00,000 रुपए का गुड्स या सर्विस कमल को सेल किया है। अब कमल इसको पेमेंट करेगा 1,00,000 रुपए का, लेकिन मोहन ने कहा कि इसके ऊपर 1% का TCS भी आपको देना होगा। यानी मोहन जो टोटल अमाउंट रिसीव करेगा कमल से, वो रिसीव करेगा 1,01,000 रुपए। अब अगर हम TDS की बात करें तो TDS इसका बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि अगर मोहन ने 1,00,000 रुपए का गुड्स कमल को सेल किया है और जब कमल इसको पेमेंट करने जाएगा तो कमल कहेगा कि भाई मैं आपको 1,000 रुपए डिटक्ट करके आपको बाकी का पैसा यानी 99,000 रुपए आपको दूंगा। यानी 1,000 रुपए जो मैं काटूंगा वो TDS काटूंगा, वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। यही डिफरेंस है TDS और TCS के अंदर। यहाँ पर मोहन को पैसा रिसीव हो रहा था यानी कलेक्ट हो रहा था, और उसके बाद ये जो 1% था यानी 1,000 रुपए जो था वो मोहन ने कमल के नाम पर गवर्नमेंट को पे किया। और यहाँ पर इसका अपोजिट ये है कि कमल ने जो 1,000 रुपए TDS डिटेक्ट किया था वो मोहन के नाम पर गवर्नमेंट को पे किया। यानी मोहन के ऊपर कमल की जिम्मेदारी है और कमल के ऊपर मोहन की जिम्मेदारी है। यही है TDS और TCS। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली यूज आपको करके दिखाता हूं टैली के अंदर कि आप किस तरह से TCS को कलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो हम यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं TCS के नाम से, और इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। लाइक हमने ले लिया दिल्ली। दिल्ली लेने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी फर्दर डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर दीजिए, हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। और उसके बाद हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर आना है GST वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको GST टैक्स अनेबल करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना GST नंबर फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी नंबर फिल कर दे रहा हूँ, और उसके बाद एंटर करके मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है TCS का। तो आपको यहाँ पर TCS को भी एप्लीकेबल कराना है। तो यहाँ पर TCS को मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू कराना पड़ता है। अगर आप TCS काटते हैं या TDS डिटेक्ट करते हैं तो आपके पास एक 10 नंबर होना चाहिए, तभी आप TCS या TDS डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना 10 नंबर फिल कर दीजिए, जैसे मैं फिल कर देता हूँ। और सेम नंबर आप नीचे भी फिल कर दीजिए, और उसके बाद नीचे आ जाइए। अब यहां पर आप देखेंगे आपसे पूछ रहा है कि कलेक्टर टाइप कौन है, यानी आप कौन है, कोई कंपनी है, कोई ह्यूमन है। तो हम यहां पर कंपनी ले लेते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन और शो होगा, सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। यानी
ये जो TCS आप कलेक्ट करेंगे इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो इसके लिए आप यहाँ पर आपको यस कराना होगा इसको, और यहाँ पर जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर्सन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे मैं दे देता हूँ नाम, तो मैंने दे दिया लाइक आदित्य कुमार है जो इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और उसके बाद यहाँ पर फादर या मदर नेम डाल दीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ दीपक कुमार। नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन डाल दीजिए, यानी आपकी कंपनी के अंदर उसकी पोस्ट क्या है, तो मैंने दे दिया लाइक मैनेजर। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका पैन नंबर फिल करना होगा, तो मैं यहाँ पर पैन नंबर फिल कर देता हूँ। एंटर करके नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको उसका पूरा एड्रेस फिल करना होगा। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको उसका मोबाइल नंबर फिल करना है, जैसे मैं फिल कर दे रहा हूँ उसका मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको STD कोड देना है, यहाँ पर उसका टेलीफोन नंबर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी ईमेल ID दे देनी है। नीचे आ जाइए, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसको एंटर करके सिंपल सेव करा देना है। सेव करने के बाद अब आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा क्रिएट वाले ऑप्शन पे, यहां से आपको जाना होगा लेजर्स पे, और यहां से आपको क्रिएट करना है एक लेजर्स। तो यहां पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं TCS ऑन परचेज का, और इसको आप डालेंगे करंट एसेट्स के अंदर। अब ये करंट एसेट्स हमारा क्यों होगा? करंट एसेट्स हमारा इस वजह से होगा क्योंकि जब भी हम साल के एंड में अपनी ITR फाइल करेंगे, यानी अपना टैक्स पे करेंगे, तो हमारा ये जो TCS होगा वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसे डालेंगे करंट एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर करंट एसेट्स में आपको जाकर के एक बार कंट्रोल एंटर प्रेस करना होगा। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यस कराना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस एंड डिस्काउंट, तो इस वाले ऑप्शन को आपको यस कराना होगा। यस कराने के बाद आपको इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एंटर करके आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन को ऑन करना होगा, यानी कितने परसेंट का कैलकुलेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका TCS का कैलकुलेशन होगा वो होगा, मान लीजिए मैं 0.1% रखना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो परसेंटेज देनी है वो 0.1% देनी है, क्योंकि 31 मार्च तक इसका जो रेट था वो 0.75 पैसा था, 31 मार्च के बाद का जो रेट होगा वो 0.1% होगा। इसके बाद आप इसे ऑन टोटल सेल रखेंगे, और यहाँ पर आपको इसको रखना है नॉर्मल राउंडिंग का मेथड, और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो राउंडिंग लिमिट्स होगी वो आपको रखनी है 1, और उसके बाद आपको इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पर आप देखेंगे आपका GST का जो ऑप्शन है इसको अभी आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, और इसको आप एंटर करके सिंपल सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको एक लेजर और क्रिएट करना होगा, एक पार्टी का लेजर, तो मैं यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्रिएट कर दिया मोहन इंडस्ट्रीज का, और इसको दे दिया मैंने सिंड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैं जब परचेज करूंगा तो ये मेरा सिंड्री क्रेडिटर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका TCS एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एंटर करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको उसका GST नंबर फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमारे पास दो लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं, एक लेजर हमें और बनाना होगा परचेज का, तो यहाँ पर हम एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं परचेज का। परचेज को हम परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे, और यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे, यहाँ पर GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रहने देंगे, यहाँ पर हम रखेंगे गुड्स, और यहाँ पर हम इसे सिंपल एंटर करके सेव कर देंगे। तो हमारे जो लेजर्स है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको जाना है स्कैप करके पीछे, और यहाँ से अब आपको लेना है स्टॉक आइटम्स, यानी अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, तो स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए अब हमारा स्टॉक ग्रुप है क्या, तो स्टॉक ग्रुप जो है हमारा वो है टिम्बर, तो टिम्बर का हम ग्रुप तैयार कर लेते हैं, इसको एंटर करके सिंपल सेव करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपका GST डिटेल का एक ऑप्शन है, तो इसको आपको यस कराना होगा इसके अंदर, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देनी होगी, तो मैं दे देता हूँ जैसे टिम्बर, और इसका जो भी आपका HSN नंबर होगा वो आप फिल कर देंगे, तो मैंने सिंपली कोई भी रैंडमली नंबर डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद आप इसे रखेंगे टैक्सेबल, और यहाँ पर आप उसकी वैल्यू देंगे परसेंटेज के अंदर, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसके ऊपर मान लीजिए 12% का टैक्स लग रहा है, सिंपल आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो हमारा ग्रुप तैयार हो गया। ग्रुप के बाद अब हमें यूनिट्स क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले यूनिट्स में चले जाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं MT यानी मैट्रिक टन,
और उसके बाद यहां पर इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, और उसके बाद एंटर प्रेस करके यहां पर ले लीजिए मेट्रिक टन, और उसके बाद हम इसे एंटर करके सिंपल सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको स्कैप करना होगा, फिर से पीछे आना होगा, और यहां पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया टिम्बर प्रोडक्ट या टिम्बर आइटम, और इसके बाद यहां पर इसको हम अंडर ऑफ डाल देंगे टिम्बर के, यहां से ले लेंगे एम्प्टी मैट्रिक टन, और यहां पर आपको जीएसटी का कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़ना, और यहां पर आपको सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब स्कैप करके आपको पीछे आ जाना है, यानी हमारे स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F9 यानी परचेज। परचेज के अंदर जाने के बाद आपको अपना सप्लाई इनवॉइस नंबर देना होगा, जो भी सप्लायर आपको इनवॉइस नंबर देता है वो नंबर आप यहाँ पे मान लीजिए फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पर उसकी डेट रखेंगे, यानी 1 अप्रैल 2021 को हम इसकी परचेजिंग कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे पार्टी का नाम, यानी मोहन इंडस्ट्रीज से हम लोग माल को परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे आप, और यहाँ पर भी आप सिंपल एंटर करके इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर आप लेंगे परचेज, परचेज लेने के बाद यहाँ पर आपका जो भी आइटम था वो आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी देनी होगी, मान लीजिए 100 पीस की क्वांटिटी है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइक 400 इसका प्राइस है। और अब आप देखेंगे 40,000 का आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो गया। आपको नीचे आ जाना है, एक बार और एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर अब हमें टैक्सेशन यूज करना है। तो टैक्सेशन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर ऑल्ट सी, यानी एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा मुझे सीजीएसटी का। तो सीजीएसटी का मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको अंडर ऑफ डाल दूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डालने के बाद आपको यहाँ से लेना है जीएसटी, जीएसटी लेने के बाद आपको यहाँ से लेना है सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एंटर करके सेव कर देना। आप देखेंगे आपका सीजीएसटी आपके सामने शो हो गया। इसके बाद आपको ऑल्ट सी वापस करना है, और एक लेजर और क्रिएट करना है एसजीएसटी के नाम से, और उसको भी आप डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से लेंगे आप जीएसटी, और यहाँ से ले लेंगे आप स्टेट टैक्स, और इसको भी सिंपल एंटर करके आप सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो टैक्सेशन था वो आपके सामने शो अप हो गया। अब इसके बाद आपको एंटर करना है, और यहाँ पर एक टैक्स और इंक्लूड करना है आपको, तो यहाँ पर हम स्पेस यूज करेंगे। स्पेस यूज करने के बाद जिसका लेजर हमने पहले से ही बना रखा था टीसीएस ऑन परचेज का, हम यहाँ पर टीसीएस ऑन परचेज ले लेंगे। तो आप देखेंगे 0.10% का आपका 45 रुपीज यहाँ पर शो अप हो गया। आप देखेंगे आपका जो टोटल अमाउंट था उसके ऊपर हमारा यहाँ पर 45 रुपीज कैलकुलेट होकर के आ गया। अगर आपका ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर के ना आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर F12 प्रेस करना है। देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल, यानी जितना भी आपका सब टोटल होगा उसके ऊपर आपका ये टैक्स इंक्लूड हो जाएगा, लग जाएगा। इसको आप कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। तो यहां पर ये हमारा टैक्स इंक्लूड हो गया। मैं आपको यहां पर राउंड अप भी बता देता हूं कि अगर आप राउंड अप का यूज करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर फिर से ऑल्ट सी प्रेस करना होगा, यहां पे आपको एक लेजर बनाना होगा राउंड अप का। तो राउंड अप का लेजर क्रिएट करने के बाद आप इसे डाल दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, कि ये जो हमारा राउंड अप होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और यहां पर अब आपको क्या करना है, उसे बताना है कोई डिस्काउंट है या कोई इनवॉइस राउंडिंग है। तो हम यहां पे लेंगे इनवॉइस राउंडिंग, और यहां पर आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है, उसकी जो राउंडिंग लिमिट्स है वो 1 रखनी है, और सिंपल आपको एंटर करके सेव कर देना है। तो आप देखेंगे आपका राउंडिंग मेथड यहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्या करेंगे, हम यहां पर प्राइस को चेंज कर देते हैं। यहां पर जो प्राइस है वो ले लेता हूं 400.3 पैसा। अब आप देखेंगे आपका जो राउंड मेथड था वो यहाँ पर काम कर गया, तो 40 पैसे का इसने राउंड अप ले लिया, और उसके बाद आपको सिंपल इसे एंटर एंटर करके सेव कर देना है। तो ये था हमारा TCS ऑन परचेज। अगर आप TCS को एप्लीकेबल करना चाहते हैं परचेज के अंदर, तो आप इस तरह से परचेजिंग यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप TCS अपने परचेज इनवॉइस के अंदर लगा सकते हैं। अब मैं आपको उसका इनवॉइस भी दिखा देता हूँ। स्कैप करके आप पीछे आ जाइए, पीछे आने के बाद आप यहाँ से चले जाइए सीधे डिस्प्ले के अंदर, टेबुक के अंदर, और यहाँ पर आपकी जो भी एंट्री है उस एंट्री पर एंटर प्रेस करिए, और यहाँ पर प्रेस करिए ऑल्ट प्लस पी। ऑल्ट पी प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका करंट यहाँ पर शो हो रहा है, आप एंटर प्रेस करिए, और एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ गए। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, ऑल्ट जेड प्रेस करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो TCS का इनवॉइस था आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट। पीछे आने के बाद आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा F8। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक पार्टी का नाम लेना है, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट सी कर देता हूँ। मैं लेजर्स को यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट करूंगा। तो ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पर एक पार्टी का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया पंकज इंडस्ट्रीज का, और इसको मैं डाल दूंगा सेंडी डेबिटर के। सेंडी डेबिटर में डालने के बाद आपको सिंपल एंटर एंटर करके नीचे आ जाना है। आप देखेंगे आपका TCS का जो ऑप्शन है यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको अभी इसको एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पर एप्लीकेबल करने के बाद आपको इसको बताना होगा
कि ये बंदा है कौन, ये कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई सोसाइटी है, क्या है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सिंपल कंपनी रेजिडेंट, और यहाँ पर आपको सिंपल एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर रखना है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। और यहाँ पर आपको पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है। इससे पहले आपको यहाँ पर उसका स्टेट चेंज कर देना है। तो मैं ये जो सेलिंग करूंगा वो आउट ऑफ स्टेट सेल करूंगा, मान लीजिए मैं गोवा में सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो हम जीएसटी नंबर डालेंगे वो गोवा का जीएसटी नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गोवा का जीएसटी एक रेंडमली नंबर ले लिया है जैसे। इसके बाद आप एंटर करके नीचे आ जाइए और इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर भी आप एंटर करके नीचे आ जाइए, इसको भी सेव कर दीजिए। यहाँ पर भी आपको एंटर करके सेव कर देना है। और यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना है सेल का, तो सेल को हम डाल देंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर आपको इसको रखना है नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे आपको जीएसटी को एप्लीकेबल ही रखना है, यहाँ पर इसके सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो ही रहने देना है। यहाँ पे आपको रखना है गुड्स, और यहाँ पर आपको अपने टीसीएस को डिफाइन करना होगा कि वो टीसीएस आखिर में है क्या। तो यहाँ पर आपको स्पेस यूज करना है, यहाँ पर रखना है एप्लीकेबल। एप्लीकेबल रखने के बाद यहाँ पर आप इसे डिफाइन करेंगे, लाइक मैंने ले लिया क्रिएट, और क्रिएट में जाकर के मैं टीसीएस को डिफाइन कर देता हूँ कि आखिर ये टीसीएस है क्या। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लाइक स्क्रैप प्रोडक्ट, ये मेरा एक स्क्रैप है। और यहाँ पर आपको उसका सेक्शन देना होगा, तो इसका जो सेक्शन है हमारा वो है 206C। और उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट कोड अगर आपके पास है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF, यानी इसका रेट क्या होगा। तो रेट इसका जो है वो 1% है, और 1% के बाद यहाँ पर आप देखेंगे विदाउट पैन के लिए क्या परसेंटेज होगी। तो इसके लिए भी मान लीजिए 1% ही रेट है, जो भी रेट होगा वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर आपको सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर भी इसे एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको अपने आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसको आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करते हैं, यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करते हैं स्क्रैप प्रोडक्ट का, और यहाँ पर आपको ऑल्ट सी करना है, और यहाँ पे आपको उसका ग्रुप बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे उसका ग्रुप बना लेता हूँ स्क्रैप, और इसको प्राइमरी में डालते हुए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आपको जीएसटी डिटेल यस करानी होगी। और जीएसटी डिटेल यस कराने के बाद यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन स्क्रैप। और यहाँ पर आपको उसका HSN कोड डालना होगा, जो भी HSN कोड होगा वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको सिंपल एंटर करके नीचे आ जाना है, और यहाँ से आपको लेना है टैक्सेबल। और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको उसका रेट देना है जीएसटी रेट, जो भी रेट होगा। तो मैंने दे दिया 18%, और उसके बाद मैं सिंपल इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। यहाँ पर आपको ले लेना है MT यानी मैट्रिक टन। अगर आपका यूनिट्स क्रिएट ना हो तो ऑल्ट सी करके आप यहाँ पे अपना यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ पर आपको सिंपल एंटर करना है, और यहाँ पर आपको जीएसटी की कोई भी डिटेल्स को नहीं छेड़ना, आपको सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर उसकी क्वांटिटी दे दीजिए, तो मैंने दे दिया लाइक 120 यानी 100 मैट्रिक टन। अब आप देखेंगे आपका जो स्टॉक था वो नेगेटिव स्टॉक शो हो रहा है, क्योंकि हमने स्टॉक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी थी। अगर आप ये वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको सिंपल वापस अपने आइटम्स पे आना होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस के अंदर आपको अब क्वांटिटी दे देनी है। तो यहाँ पर जो भी हम क्वांटिटी देंगे, मान लीजिए मैंने दे दिया 100 का, और यहाँ पर मैं इसका रेट डिफाइन कर देता हूँ, मान लीजिए 400.21 पैसा। तो मैंने इसको एंटर करके सेव कर दिया, और अब मैं इसको यहाँ पर सेल करूंगा। तो 100 पीस मैं इसको सेल कर देता हूँ, तो मान लीजिए 500.21 पैसा इतने का मैं सेल करूंगा। इसके बाद मैं इसे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आप देखेंगे आपका माइनस में जो स्टॉक दिखा रहा था वो नहीं दिखा रहा है। अब आपको सिंपल नीचे आ जाना है, एक बार और एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करना होगा IGST का। IGST का लेजर क्रिएट करने के बाद आप इसको आप डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डालने के बाद आप यहाँ पे ले लेंगे जीएसटी, और यहाँ से ले लेंगे आप इंटीग्रेटेड टैक्स। और यहाँ पर आपको टीसीएस को नहीं छेड़ना, आपको सिंपल एंटर करके सेव कर देना। आप देखेंगे आपका IGST यहाँ पर आपके सामने शो अप हो गया। और यहाँ पर हमें एक लेजर और लेना होगा, तो यहाँ पर हम इसे ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए टीसीएस का, और इसके बाद इसके हम डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। यहाँ से लेंगे आप टीसीएस, और यहाँ से आप ले लेंगे स्क्रैप, और यहाँ पर आपको सिंपल इसको एंटर करके सेव कर देना है। तो आप देखेंगे आपका जो टीसीएस था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो गया। तो यहाँ पर आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है, और आपको इसको राउंड में देना है, तो स्पेस दबाइए। यहाँ पर हमने राउंड अप का लेजर पहले ही बना रखा था, इसे आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको उसने राउंड अप कर दिया, और आपको सिंपल एंटर करके इसको सेव करा देना है। इस तरीके से
सेव करने के बाद अगर आप इसका बिल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्कैपर के पीछे आ जाइए, डे बुक में आ जाइए, यहाँ से आप चले जाइए सेल के अंदर और यहाँ पर प्रेस करिए ऑल्ट पी, करंट पे एंटर प्रेस करिए और यहाँ से ले लीजिए प्रीव्यू। प्रीव्यू लेने के बाद ऑल्ट जेड प्रेस करिए और आप देखेंगे आपका जो इनवॉइस था यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आपका जो टोटल स्क्रैप प्रोडक्ट था वो उसका प्राइस, उसकी टोटल क्वांटिटी, उसका टोटल प्राइस, राउंड अप, TCS, IGST प्लस उसका यहाँ पर आप देखेंगे HSN कोड, उसका HSN कोड के साथ उसकी वैल्यू, परसेंटेज, कितना परसेंट उसका टैक्स लगा है वो, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पर शो अप हो गया। तो ये था हमारा TCS। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।